निगरान वज़ीर-ए-आला कौन? वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान एक और मुशावरती बैठक, तीन तीन नामों पर गौर। निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान कल रात तक मुतवक्के है। अपोजिशन लीडर राना अंसार कहती है कि उम्मीद है कल तक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ यौमे आज़ादी पर ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब खुशाइंद है। शहबाज शरीफ को कल अलविदा गारफाना दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरी पर सरदार अख्तर मैंगल शदीद बरहम। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करना बदएतमादी को दवाम बख्शेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी से हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर मुशावरत का आगाज। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसंजू का अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान से रब्ता। निगरान वज़ीर-ए-आला और निगरान हुकूमत के क़याम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और मीर खालिद खान मक्सी से भी रब्ता। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन मुनस्सा हसन ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बैरूनी मुल्क से वापसी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। मुनस्सा हसन की 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। कहती है, 9 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज, मजीद इलाज लंदन में कराने का फैसला। शहबाज शरीफ बेगम नुसरत शहबाज के साथ चंद रोज में लंदन रवाना होंगे। नुसरत शहबाज 6 रोज से लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने करंगी की भेटाई कॉलोनी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब का कहना है कि अख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, आवाम की उम्मीद पर पूरा उतरना हमारी बुनियादी तरजीह है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां। बच्चे घरों को झंडियों से सजाने में मसरूफ। रात 12 बजते ही मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। 76वें जश्न आज़ादी पर मिली नगमा, तू जान वतन जारी कर दिया गया। और बहर अरब से मानसून हवाएं बला इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा हफ्ते कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद लाहौर गुजरांवाला सियालकोट में बादल जमकर बरसेंगे।